हे गाइस वेलकम बैक टू द चैनल। फाइनली आज मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ क्योंकि ऑब्वियसली जो भी इंसान गाना गाता है उनकी लाइफ में बहुत ही एक इंपॉर्टेंट सा डिसीजन होता है कि उसके पास एक खुद का माइक हो ताकि वो खुद के गाने खुद से रिकॉर्ड कर सके अपने ही घर में। सो फाइनली कोरोना के कारण मैं जो पैसे अपने लेंस खरीदने के लिए सेव कर रहा था उस पैसे को मैंने यूज़ किया ये माइक खरीदने में। फाइनली आई एम हैविंग वन, लाइक सीरियसली आई वॉन्टेड टू हैव दिस फ्रॉम सो लॉन्ग एंड अभी भी एक साइड दर्द है। तो एक किडनी में काम चलाना पड़ेगा कुछ टाइम तक, बट ठीक है, आई होप कि कोई प्रॉब्लम ना हो। एंड या दिस इज रोड एंटी वन एंड मैंने इसे खरीदा राज म्यूजिकल से, स्पॉन्सर्ड नहीं है, आई एम जस्ट लेटिंग यू नो दिस। वहाँ से मुझे इसलिए लेना पड़ा क्योंकि और किसी साइट पे अवेलेबल नहीं था एंड ये ऑस्ट्रेलिया से आता है तो सारी साइट्स पे खत्म हो गया है, तो नेक्स्ट कब आने वाला था तो मुझे पता नहीं था, तो मैंने इसे एकदम लाइक इतनी जल्दी में लिया ना। सो या फाइनली आई एम हैविंग इट एंड आई एम गोना अनबॉक्स दिस टुडे एंड लेट्स सी इसके अंदर क्या है। एंड मुझे पता है क्या है, आई एम गोना शो दिस टू यू पीपल। ओके सो ठीक है, खोलते हैं इसे जल्दी से। गाइज दिस वीडियो इज इन एसोसिएशन विद डाउटनट। डाउटनट एक ऐप है जिसमें कि आप अपने सभी फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स और बायोलॉजी के डाउट्स को क्लियर कर सकते हो एंड इट्स सो सिंपल। यू जस्ट हैव टू क्लिक अ पिक्चर ऑफ योर डाउट, क्रॉप इट, सेंड इट एंड यू गेट द वीडियो सॉल्यूशन इन जस्ट 3 seconds। ये क्लास 6 टू क्लास 12 और नीट आईआईटी जेईई मेंस एंड एडवांस के लिए अवेलेबल है। सो ऑल ऑफ यू इफ यू आर प्लानिंग टू बाय अ माइक, सो आई विल लेट यू नो वन थिंग, व्हाई द रीजन दैट मेड मी चूज दिस माइक। सो बेसिकली मैं अपने गाने नोएडा में रिकॉर्ड करता हूँ, एक स्टूडियो है लवप्रीत भाई का या फिर एक विशाल करके एक, वो भी उनका भी स्टूडियो, मैं वहाँ पे रिकॉर्ड करता हूँ। सो माय एंटायर गोल वाज कि मेरे पास एक ऐसा माइक हो जो कि उनके पास जो माइक है उसके लेवल का हो। वैसे तो उनके पास काफ़ी महंगा माइक है, विशाल के पास जो माइक है वो अराउंड 1.5 lakh का है, बट आई वॉन्टेड दिस माइक बिकॉज इसकी बेस्ट चीज़ मुझे ये लगी कि इसका फ्रिक्वेंसी रिस्पॉन्स कर्व फ्लैट था, विच मीन्स कि ये ज़्यादा छेड़छाड़ नहीं करता इनिशियली जो आपके वॉइस को लेता है, किसी पर्टिकुलर फ्रिक्वेंसी को एम्पलीफाई नहीं करता या फिर किसी पर्टिकुलर फ्रिक्वेंसी को ज़्यादा अमाउंट में नहीं लेता, जहाँ तक मुझे समझ में आया। सो आई बॉट दिस एंड आई डोंट नो इफ इट विल वर्क गुड इनफ और नॉट। जितने पैसे मैंने दे दिए हैं इस चीज़ के लिए, आई लव रोड माइक्रोफोन्स, आई डोंट नो इफ आई डू लव रोड माइक्रोफोन्स और नॉट, ये तो यूज़ करने के बाद ही पता चलेगा। दिस इज वर्ल्ड्स क्वाइटेस्ट एंड या ये रोड वाले क्लेम करते हैं कि उनका जो ये मॉडल है ND1 है एंड आई गेस NT1 भी वर्ल्ड्स क्वाइटेस्ट माइक्रोफोन है। आई होप कि ऐसा हो। देयर सो मेनी थिंग्स यार, मतलब मेरे को ये पता नहीं था जब मैं माइक्स के बारे में रिसर्च कर रहा था, तब मेरे को पता चला कि देयर सो मेनी थिंग्स लाइक नॉइज फ्लोर कुछ होता है, माइक का खुद का सेल्फ नॉइज होता है, फिर बैकग्राउंड नॉइज तो वो अलग चीज़ होती ही है। इसके साथ वी हैव दिस माइक कवर जिससे कि डस्ट माइक के अंदर ना जाए। एंड फाइनली दिस इज the shock mount. I was also pretty much convinced to buy the Aston mics, like Aston Origin or Aston Spirit. And मैंने उन्हें मेल भी किया था एंड थैंकफुली वो मेरे को डिस्काउंट भी दे रहे थे यूट्यूब चैनल के कारण obviously. But I realized ना कि आई डोंट नो, आई एम नॉट वेरी श्योर इफ दिस डिसीजन वॉज राइट और नॉट, बट आई होप दैट वो सही था। माइक का डब्बा नहीं खुल रहा मेरे से। दिस इज द शॉक माउंट आई हैव लाइक रियली, मैंने माइक यूज़ किया पहले जब भी मैंने गाने रिकॉर्ड किया, बट मैंने कभी टेक्निकली ऐसे असेंबल नहीं किया उन्हें। इसके साथ में वी हैव पॉप फिल्टर, दिस इज ऑब्वियसली कि जो हवा के कारण साउंड आ जाती है भ वाली वो ना आए, एंड ये मेटल का है, दिस इज़ नाइस क्योंकि जनरली मैंने जो भी यूज़ किया मैंने कपड़े का देखा है। दिस इज़ ऑल आई हैव गॉट एंड द फन फैक्ट इज़ कि दिस माइक इज़ यूजलेस अभी, मतलब जब तक मैं एक इंटरफेस नहीं खरीद लेता, ऑडियो इंटरफेस जो कि माइक को मेरे लैपटॉप से कनेक्ट कर सकें, तब तक मैं इस माइक को यूज़ नहीं कर सकता। सो इट्स रियली वेरी फनी। सो व्हाट आई एम गोना डू नाउ इज आई एम गोना कॉल नीलेश, ओके, एंड नीलेश को मैं ये माइक दिखाऊंगा। मैंने उसे बताया नहीं कि मैंने ये माइक खरीदा है, ठीक है, एंड मैं उसको बोलूँगा कि नीलेश इसको लैपटॉप में कैसे कनेक्ट करना है, लेट्स सी व्हाट ही रिप्लाइज। तो मैं ये सोच रहा हूँ ना कि मैं उसे कॉल करके अभी ये बोलूँगा कि मैंने सारे पैसे इसमें खर्च कर दिए क्योंकि मुझे पता नहीं था कि इंटरफेस भी कुछ होता है एंड उसे भी यूज़ करना होता है, ठीक है, लेट्स सी कैसे रिएक्ट करता है वो। यो नीलेश क्या कर रहा है? ये देखो क्या लग रहा है, क्या लग रहा है, कैसे कनेक्ट करेंगे इसमें लैपटॉप में? कौन सा माइक है? रोड एंटी। हाँ लैपटॉप में कैसे कनेक्ट होगा? इंटरफेस ऐसा कनेक्ट नहीं होगा ये? हाय राम, अब क्या होगा?
अबे यार इंटरफेस कितने का आता है? सर ये बताओ तो हमसे पूछिए क्यों नहीं रोड एक्टिव वाले ने। इंटरफेस कितने का आता है पहले ये बताओ। इंटरफेस उतना कहीं आएगा जितना का बताया था, वही 12-13 हज़ार। 13 हज़ार और लगेगा? अब जो मेरा मूड खराब होगा तो आनंद बात कर रहा है। ओके सो दिस वाज माय ऑल प्लान। ठीक है, उसे नहीं पता है कि मैंने इंटरफेस ऑलरेडी ऑर्डर कर दिया है। एंड या ये काफी महंगा माइक है टू बी ऑनेस्ट। अब इसका बार बार कॉल आएगा, ऐसे लगेगा कि मैंने बहुत बड़ा ब्लंडर कर दिया। सो आई वाज सेइंग कि हाँ मुझे पता है कि काफी ज्यादा महंगा माइक है। टू बी ऑनेस्ट माइक और इंटरफेस को खरीदने के बाद मेरे अकाउंट में करीब आई थिंक 96 रुपये बचे हैं। ठीक है, बचे थे। ओके सो इट्स रियली वेरी सैड एंड कूल एट द सेम टाइम बिकॉज आई वॉन्टेड कि मैं एक बार इन्वेस्ट करूँ। सो मेरे पास जितने पैसे थे मैंने सारे लगा दिए एंड थोड़ा बहुत मुझे उधार भी लेना पड़ा, बट आई थिंक आई होप इट विल बी वर्थ इट। एंड लेट्स सी व्हाट हैपेंस एंड आई विल शो यू द इंटरफेस जैसे ही वो आ जाए। मैंने इंटरफेस कहीं अलग जगह से मंगाया है, सो लेट्स सी वो कब तक आता है। सो फाइनली आफ्टर हैविंग द इंटरफेस एंड दैट XLR केबल एंड दैट स्टैंड आई विल बी हैविंग अ सेटअप जिसमें कि मैं गाने रिकॉर्ड कर पाऊंगा अपने लैपटॉप पे घर में बैठे बैठे। सो लेट्स सी क्या होता है, लेट्स सी कि ये वर्थ इट है या नहीं। एंड द सैड पार्ट इज ना कि ये माइक सही है नहीं, ये चेक करने के लिए मेरे पास बस 5 दिन और बचा है क्योंकि राज म्यूजिकल्स वाले 10 दिन का ये देते हैं कि 10 दिन के अंदर अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप रिटर्न कर सकते हो। आई होप कि तब तक मेरा इंटरफेस आ जाए ताकि मैं इसे चेक कर पाऊँ, अदरवाइज आई डोंट नो क्या होने वाला है। सो फोन करके बता दो तो पहले इसको इसको राइटली वीडियो दिखाते हैं आई थिंक, इसको सोचने देते हैं कि मैंने कोई ब्लंडर किया है। ठीक है, उसे लग रहा होगा हो क्या हो गया इतना महंगा माइक खरीद लिया इसने। एंड बट ठीक है, मतलब बहुत टफ था डिसीजन मेरे लिए कि इतना महंगे माइक पे मुझे इन्वेस्ट करना चाहिए नहीं चाहिए। बट मैंने लाइफ में एक चीज़ नोटिस की है, आई डोंट नो इफ सही है गलत है, कि जब भी मैं थोड़े पैसे बचाने के चक्कर में कोई चीज़ें खरीदता हूँ ना, चाहे वो कपड़े हो या फिर कैमरा हो या कुछ भी हो, मैं आगे जाके रिग्रेट करता हूँ क्योंकि वो चीज़ खराब हो जाती है। तुम लोग इस वीडियो को देखोगे उसके साथ, मतलब वो भी देखेगा ऑब्वियसली। सो तब देखते क्या होता है एंड आई डोंट नो कि इंटरफेस कब आएगा। एनीवेज थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग द वीडियो एंड लेट्स सी मैं कब इसमें फाइनली कोई गाना रिकॉर्ड करके अपलोड करता हूँ। आई होप कि चीज़ें बेटर हो जाएं इसके बाद। आई डोंट नो, आई एम नॉट वेरी श्योर, बट आई होप कि इसके आने के बाद मैं थोड़ा सा फ्रीक्वेंट हो जाऊँ अपने चैनल पर। देखते क्या होता है। थैंक यू सो मच।